नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ भैंसवाड़ के और आवली के चौक पे। यहाँ पर भैंसवाड़ में एक अलग ही तरीके का माहौल सा बन चुका है। भैंसवाड़ कला में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मोड़ जो है, ये बोर्ड भैंसवाड़ गुरुकुल और एक तरफ आवली और भैंसवाड़ कला का गुरुकुल का बोर्ड है। और ये जो रोड है, ये रोड आप देखेंगे, अगर ये रोड सीधा भैंसवाड़ गांव के अंदर जाता है। तो मैंने भैंसवाड़ गांव वालों से जब बात करी तो उनसे सीधी साधी मेरी ये बात हुई कि भाई क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई टिकट थारे तो रहा हुआ है? तो उनने साहब के एक जी योगेश्वर दत्त जी और भूपेंद्र मलिक जी, इनकी पिछली बार भी बड़े प्यार से बातचीत हो ली थी। अग भाई जिसने योगेश्वर दत्त जी को टिकट देनी है वो उसको वो वोट देने हैं, वो वोट योगेश्वर दत्त जी को दे, और जो योगेश्वर दत्त जी से नाराज़ हैं वो भूपेंद्र मलिक को दें, क्योंकि दोनों एक ही गांव के कैंडिडेट थे। इस बार मलिक गोत्र के गांव सबसे ज़्यादा हैं बरोदा विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसा माना जाता है कि पिछली बार के जो 70,000 वोट हैं भाजपा के, उनको अगर कम माइनस भी कर लिया जाए, 50,000 छोड़ दिया जाए, तो भाजपा को सिर्फ 15,000 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस 70 में से 20 कम करके भी सिर्फ 15,000 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मलिक गोत्र में खासकर भाजपा की टिकट आना एक बड़ा अचीवमेंट, जिसने क्या करे ना, भाई गांव बटले हो लिए और रिश्तेदारी बटली हो ली। तो न्यूए भैंसवाड़ में मैंने लाग गया है, जो लोग आता मैंने बात करी, अग भाई गांव बटले हो रहे हैं, इनमें अलग सी लहर है कि भाई इनके तो टिकट आ गई। कुछ दिनों से जो चलन लग रही है ना कि भाजपा जजपा का कैंडिडेट होगा, भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेगा, हालांकि ये भाजपा के ऊपर है, अग भाई वो किसने टिकट देगी? उधर से केसी भांगड़ साहब हैं, इधर से भूपेंद्र मलिक हैं, जो अफवाहें कह लो या फिर सूत्रों से जो खबर मिली है। अब देखना यह है देखना न्यू है, अग भाई देवे की इसने गई टिकट, जड़े बड़े गाम हैं 16 गाम जड़े मलिका के हैं ओड़े, और प्लस योगेश्वर का साथ, पंडित योगेश्वर दत्त जी का साथ, इनकी खुली बातचीत है दोनों की, एक गांव के हैं और खुला प्यार। अग भाई तुम मेरे गले लगोगे, मैं तेरे गले लगूंगा, जिसने टिकट ठहोगी। पिछली बार भी पंचायत में यही हुआ कि जो मेरे से नाराज़ है वो योगेश्वर को दो, और जो योगेश्वर दत्त जी से नाराज़ है वो भूपेंद्र मलिक को दो। वो ये बड़ा क्लियर मैसेज था भैंसवाड़ कला से। तभी इतने गांवों में से लीड खूब आई थी, और अब भी यही माहौल बनता जा रहा है कि भाई भाजपा का सिंबल होगा और कैंडिडेट जजपा का होगा, जिससे कि गठबंधन का साझा उम्मीदवार होगा एक। और लोगों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र मलिक की लगभग आगे चल रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो ये गांव वाले सोच रहे, भाई इबके तो चौधर आवेगी, इबके तो गांव में तो बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस के कुछ एमएलए भी यहीं से ही हैं, जैसे जगबीर मलिक जी हो गए गोहाना से, उनका भी पैतृक गांव यही है। लेकिन सरकार के अंदर होते हुए एम विधायक भैंसवाड़ कला से बनने जा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो